Okay, so we have to study the vector. Vector क्या है? Vector is basically mathematics है. Mathematics की एक branch है जिसको हम बोलते हैं vector algebra, right? So हमको पढ़ना है motion in a plane. Motion in a plane में दो different directions होती हैं, तो उनमें जो algebraic उसके जो operations हैं, mathematical operations, वो vector से ही possible हो पाते हैं. तो इसलिए हमको पहले vector पढ़ना पड़ता है, right? सो वेक्टर क्या है वो पढ़ते हैं. देखो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. दोज आर डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज. वन इज कॉल्ड स्केलर एंड अनदर इज कॉल्ड वेक्टर. स्केलर वो होते हैं जिनको हम बाय देयर मैग्नीट्यूड प्रॉपरली डिफाइन कर पाते हैं, और वेक्टर वो होते हैं जिनमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है, राइट? तो स्केलर तो हम शुरू से पढ़ते ही आ रहे हैं ना, वेक्टर में, राइट? सो वेक्टर को अगर हम डिफाइन करें, वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे? वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी, या ऐसे अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी इफ इट हैज डायरेक्शन along with magnitude, जिसमें magnitude के साथ direction में हो, direction along with magnitude and follows vector law of addition. vector law of addition क्या होता है ये अभी हम पढ़ेंगे, but किसी भी quantity को अगर हमें vector बताना है तो उसमें अकेला डायरेक्शन होना ही सफिशियंट नहीं होता, इट मस्ट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए, राइट? जैसे मैं कुछ एक क्वांटिटी बताता हूँ जिसमें डायरेक्शन होती है लेकिन वो वेक्टर नहीं होता. ऐसी कुछ क्वांटिटीज आपको मिल जाएंगी, जैसे करंट. करंट इज व्हाट? करंट हैज सम डिफाइंड डायरेक्शंस. करंट की अपनी डायरेक्शन होती है लेकिन वो स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती. वो उसमें डायरेक्शन होते हुए भी वो स्केलर क्यों है? क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती, वो सिंपल एल्जेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती है. सिंपल एल्जेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करती है, राइट? नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर लाइक हम स्पीड को भी v से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को भी v से रिप्रेजेंट करते हैं. सो हाउ वी विल कम टू नो दैट दिस इज अ वेक्टर और दिस इज स्केलर, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम क्या करते हैं, इन राइटिंग बाय प्लेसिंग एन एरो ओवर हेड ऑफ सिंबल, जो भी सिंबल है उसके ऊपर एक एरो प्लेस करते हैं, लाइक दिस वी ए एफ, ऐसे एक एरो लगाते हैं. ये एरो का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इट जस्ट एज ए सिंबल यूज होता है, एज ए सिंबल कि हमने एक फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर एरो लगा दिया. सो दिस बिकम ए सिंबल ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी, यानी हमने डिफाइन कर दिया कि ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, करेक्ट? नाउ ये तो हो गया राइटिंग में, एंड देन ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली by an arrow,
हुज लेंथ, हुज लेंथ रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, हुज लेंथ रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑन ए सुटेबल स्केल. ये मैं स्केल वाला बताता हूं अभी. ऑन ए सुटेबल स्केल एंड एरो हेड रिप्रेजेंट डायरेक्शन. और जो एरो हेड है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. कैसे? लाइक मैं एक एरो अगर ड्रॉ करूं तो इट इज समथिंग लाइक दैट. मान लो मुझे वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है एंड आई हैव वेलोसिटी एज से आई एम गिवन वेलोसिटी वी इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड ईस्ट. ईस्ट इज द डायरेक्शन एंड 40 मीटर पर सेकेंड इज मैग्नीट्यूड. ये वेलोसिटी है. तो अब लेंथ तो मीटर पर सेकेंड में हो नहीं सकती. लेंथ तो मीटर में होगी, सेंटीमीटर में होगी, ऐसे होगी. तो हम क्या करते हैं, स्केल ले लिया हमने. दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. तो 40 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर. तो हम एक एरो ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर. और जिसका एरो किस साइड होगा? ईस्ट की तरफ. सो देन इस तरह से हम ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं. द लेंथ रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑन ए सुटेबल स्केल. क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो नॉट नेसेसरी सेंटीमीटर मीटर में होंगी. वेक्टर क्वांटिटी तो किसी भी यूनिट में हो सकती है. जैसे फोर्स हो गया तो वेक्टर क्वांटिटी क्या हो गई? न्यूटन में हो जाएगी. वेलोसिटी हो गई तो वेक्टर क्वांटिटी मीटर पर सेकेंड में हो जाएगी. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक स्केल चूज कर लेते हैं. जैसे हमने यहाँ पे किया 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मान के और फिर हमने एक एरो ड्रॉ कर दिया. उस एरो की लंबाई कितनी हुई? 4 सेंटीमीटर. और हेड किस तरफ? जो डायरेक्शन है उस तरफ हेड हो गया. राइट? इतना समझ में आया? कुछ पूछना है इसमें? नहीं. ये था रिप्रेजेंटेशन, हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. राइट? नाउ इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल if they have equal magnitude and same direction. दोनों का magnitude भी equal होना चाहिए और direction भी same होनी चाहिए. Then those are called equal vector. Like if I draw one of the vector like this and another vector if I draw like this. If I say this is vector A and I say this is vector B, मैंने उल्टा draw किया है ना. So then A is equal to B. तो A इज इक्वल टू हो गया B वेक्टर. तो कोई भी दो वेक्टर सिर्फ और सिर्फ तभी इक्वल होंगे जब उनकी लेंथ भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, या मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो. ओके? हाँ, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं और जिस स्पीड से जा रहे हैं दोनों सेम हो. देन आते हैं नेगेटिव वेक्टर. टू वेक्टर्स आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर
इफ देयर मैग्नीट्यूड आर सेम बट डायरेक्शन अपोजिट. अगर मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है तो हम उनको नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे. हाउ इज इट? राइट. लाइक ये एक वेक्टर है ऐसे, और एक दूसरा वेक्टर लेते हैं ऐसे. तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है लेकिन लेंथ दोनों की सेम है, तो हम बोलेंगे ए इज नेगेटिव ऑफ बी या बी इज नेगेटिव ऑफ ए. यानी एक वेक्टर दूसरे का नेगेटिव वेक्टर है. राइट. नहीं, नेक्स्ट आता है यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज यूनिट यानी वन. अगर मैग्नीट्यूड वन है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज यूनिट, इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैप या हैट बोल दो ओवर हेड ऑफ सिंबल. जिसे हम वेक्टर में एरो यूज करते हैं, तो यूनिट वेक्टर के लिए एरो नहीं यूज करते. हम क्या यूज करते हैं? एक ऐसे कैप यूज करते हैं. यानी ये एक ऐसा वेलोसिटी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड वन है. सो दिस वे ऐसे हम एक टोपी सा या हैट बना देते हैं सिंबल के ऊपर, तो हम इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं. यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर, मान लो ए, इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड. यानी किसी वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा. दैट इज यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज द वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखते हैं? या तो एरो हटा देते हैं और सिंपल लेटर में लिखते हैं, या फिर एरो अगर लगा रहे तो हम ऐसे मॉड से लिखते हैं. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड. सो या तो हम ऐसे लिखेंगे या सिंपल एरो हटा देंगे. तो किसी भी वेक्टर का अगर हमें यूनिट वेक्टर चाहिए तो हम क्या करेंगे? उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे. ठीक है. फॉर एग्जांपल एक वेलोसिटी वेक्टर है 40 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, तो हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसको 40 से डिवाइड कर देंगे. सो व्हाट वी विल गेट इज 1 मीटर पर सेकेंड ईस्ट. राइट. तो इसमें है क्या? एक्चुअली डायरेक्शन ही तो है. यूनिट वेक्टर
इन जनरल रिप्रेजेंट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इन जनरल कोई भी यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हो गया बच्चों? नाउ नेक्स्ट इज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, द वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग एक्स, सॉरी ऐसे लिखो, वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सेस आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। इसको भी करेक्ट कर लो, यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। एक्स वाई जेड एक्सिस कौन सी को हम कैसे नहीं प्रेजेंट करते? ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑर्थोगोनल मींस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाई रिजर्व्ड सिंबल, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाई रिजर्व्ड सिंबल आई जे एंड के, आई कैप जे कैप एंड के कैप। वट इज द रिजर्व्ड सिंबल मीन्स? जैसे हम सिंबल को कई जगह यूज कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे इन सिंबल्स को हम कहीं और यूज नहीं कर सकते। दे आर डिफाइंड यूनिट वैक्टर्स विच आर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सेस, means wherever we will write I, that means along x axis, wherever we will write j, that means along y axis, k likhenge to that means along z axis, right? If I write F is equal to 40 I Newton, means a force of 40 Newton is acting along x-axis, right? Yes. तो जब भी हम इस तरह से लिखेंगे तो ये direction defined है, I, J and K, these are the reserve symbol, इनको हम कहीं भी और use नहीं करेंगे। Is it clear? पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट वैक्टर, पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट वैक्टर अ वैक्टर ड्रॉन फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, a vector drawn from reference point to position of object is called position vector, and a vector drawn
फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट। लाइक ये हमारा ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट, ये एक्स ये वाई, ठीक है। ये एक वेक्टर ड्रॉ किया हमने एंड लेट्स से दिस इज पोजीशन ए, सो देन ओ ए इज व्हाट, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ओ ए इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। देन एक वेक्टर दूसरा ड्रॉ किया एंड लेट्स से दिस इज बी, सो ओ बी इज अनदर पोजीशन वेक्टर, एंड इफ आई ड्रॉ अनदर दिस इज ए टू बी, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट। ओ ए इज इनिशियल पोजिशन वैक्टर, ओ बी इज फाइनल पोजिशन वैक्टर एंड ए बी इज डिस्प्लेसमेंट वैक्टर, राइट। इन द ग्राफ ओ ए वैक्टर इनिशियल पोजिशन वैक्टर ओ बी वैक्टर इज फाइनल पोजिशन वैक्टर एंड ए बी वैक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वैक्टर, ए बी वैक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वैक्टर। अब आपको याद होगा जब हम शुरुआत में पढ़ रहे थे हमने डिस्प्लेसमेंट को कैसे बोला था, डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन, तो हम कैसे लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, राइट।